के लिए 33-34 लाख रुपया उसमें लगाया गया था। एक दो साल तक जो उसके रख रखवारी में रखा गया था उनको भी पैसा दिया गया। 10 लाख मतलब कुछ लाख के सोलर प्लेट था वो भी चोर सब चुरा के ले गया, उसमें एक भी लाश नहीं फुकाया, वो भी वही सीए है। शिवहर जिला में जैसे पुनैया में एक आयुर्वेदिक अस्पताल है, वो नगर परिषद के द्वारा नगर पंचायत के द्वारा बनाया गया था, वहाँ भी दवा मुहैया नहीं कराता है, तो मजबूरन पाकर जो डॉक्टर है वहाँ वो अंग्रेजी दवा करते हैं, सीरियसली मैटर में आते हैं। तो नया गाँव में आयुर्वेदिक अस्पताल है, वो भी खंडहर है, वहाँ पे भी एक वैद्य जी इलाज करते हैं, जो अपना वो नहीं समझे अपना से कुछ निर्माण उर्माण वो घर उर करवाए हैं। संस्कृत विद्यालय है अपने जिला में, सभी का स्थिति वैसे ध्वस्त है। परसौनी परिहारा में है, पिपराड़ी प्रखंड में पड़ता है परसौनी परिहारा, तो वहाँ के देखिएगा तो क्या है कि स्कूल तो है मगर बहुत जर्जर है, यानी कि कोई गारंटी नहीं है कि वो कब गिर जाएगा। वहाँ पे सर जी से हमने बात किया तो उनका कहना था कि हम लोग का तनख्वाह भी सही समय से नहीं आता है, और नहीं सर जी है दुई वो है तो स्कूल का क्या होगा। तरियानी छपरा का खंडहर अस्पताल था, नक्सलियों ने हमला में उसको गिरफ्तार दिया था, तो उसका भी वीडियो है। एक बैद्यनाथ झा जी रघुनाथ झा के भाई अम्बा कला में कुर्सी निर्माण करके अस्पताल दिए हुए थे, बैद्यनाथ झा अस्पताल का नाम था, उसको भी वैसी खंडहर छोड़ दिया गया है, कुर्सी करके वो भी नहीं बना। उसको इलाज कराने के लिए लोग इधर उधर जाना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है, वहाँ पर होना चाहिए था। और बता दें आपको कि शिवहर में जो केंद्रीय जवाहर केंद्रीय विद्यालय है नवोदय का, वो बिसाही में है, वहाँ पे क्या है कि जिसे प्रत्येक देखिएगा बस भारत के तमिलनाडु में वो नवोदय विद्यालय नहीं है, तमिलनाडु राज्य में बाकी बात सभी राज्यों में सभी जिले में आपको नवोदय विद्यालय केंद्रीय नवोदय विद्यालय मिलेगा, न मतलब कि नवोदय विद्यालय है। तो उसमें कहा है कि सभी जगह 80 बच्चा को मुफ्त शिक्षा दिया जाता है, समझते हैं नवोदय में पास करने के लिए पंचमा में कुछ तैयारियां करके एग्जाम पास करना पड़ता है, 80 बच्चों को सभी जगह निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है सब कुछ के साथ, मतलब कि रहने उहने के साथ, छात्रवृत्ति के साथ, छात्रावास के साथ। मगर यहाँ क्या है कि 40 बच्चों को रखा जाता है, 40 बच्चा नहीं रखा जाता है। और वहाँ पे जाने वाला रोड भी एकदम जर्जर है, उसका भी हमने न्यूज़ कवर किया है। जितना इम्पोर्टेंट न्यूज़ है शिवहर के, हमने सभी वो न्यूज़ को कवर किया है। हमारे चैनल पे कभी आपको फुर्सत मिले तो जाके देखिएगा, बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको मिलेगा। शिवहर जिला के वो तमाम वीडियो है जो दिखाना चाहिए था, जो अभी के डेट में मानिए तो न्यूज़ वाला सब क्या है, कौन न्यूज़ ज़्यादा चलता है आप लोग जानते हैं? हम जानते हैं, बताए अगर आप कोई लड़की भाग उग गया है किसी का, वैसा न्यूज़ बनाइएगा ना तो आपका न्यूज़ तुरंत ग्रो करेगा, तुरंत हाई स्पीड में जाएगा, एकदम वायरल होगा। मतलब अगर आप वैसा न्यूज नहीं बना रहे तो नहीं चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं औरत महिला है वाली न्यूज लोग ज़्यादा देखते हैं, खास करके कोई भागा भागी वाली, वो भाग गया वो उससे शादी कर लिया, वो ऑर्केस्ट्रा वाली है, वो नचनिया वाली है, मगर नीमन चीज़ का ज़माना नहीं है। हम लोग लग रहा है वैसा क्यों बनाना होगा, ऑर्केस्ट्रा वाली सबके इंटरव्यू अब लेना होगा तब कुछ जाके होगा, न तो नहीं कुछ लग रहा होगगा ना, ना होगा ना, आप लोग सहायता कीजिए, होगा यहाँ वहाँ सभी जगह शेयर कीजिए, जितना आपसे हो सके उतना शेयर एक बार कर दीजिए, एक दो दिन शेयर कर दीजिएगा ना हमारे वीडियो के, 500,000 व्यू जब आने लगा तो हमारा चैनल ग्रो हो जाएगा, एक बार जब ग्रो हो जाएगा ना क्या समझ रहे हैं ना, वायरल हो जाएंगे हम, कहीं ना कहीं मेरा भी नाम होने लगेगा, तो अभी सभी का दिन रहेगा, एक बार सपोर्ट कीजिए, चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए। तो यही बात सब है, थोड़ा चैनल के सपोर्ट कीजिए, बढ़ाइए। तो अब हम सोचते हैं कि बहुत देर हो गया, अब सभी लोग को काम भी होगा, इतना देर कौन लोग देख पाएंगे। श्याम एडिटर जय हो, धन्यवाद सर, सहायता कीजिए अभी थोड़ा, तब तक के लिए माफ़ी चाहते हैं, विदा चाहते हैं। एक बार सपोर्ट उपोर्ट कीजिए, थोड़ा वीडियो वीडियो के शेयर वेयर कीजिए, एक बार हाईलाइटेड कीजिए हमरो, आखिर कब तक हम ऐसे रहेंगे, लोगों का ताना बात कब तक सुनेंगे।